What's up everyone, welcome back to the channel. और journal entries complete हमारे हो चुकी हैं. अब हमको क्या शुरू करना है, अब हमें शुरू करना है कैश बुक. कैश बुक एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर आपको समझ में आ गया तो सबसे आसान है, सबसे स्कोरिंग है. लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो उसके अंदर माइनर छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं. तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से समझ के चल लेना और कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा. एग्जामिनेशन में कन्फर्म्ड आता है और बड़े नंबर का आता है. तो अच्छे से करो, ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, बट कॉन्सेप्चुअल है और आगे भी काम आएगा. तो चलो लेट्स मेक द कॉन्सेप्ट फ्रॉम कैश बुक और देखते हैं कैश बुक कैसे करना है. लेट्स बिगिन. हमारे चैप्टर का नाम है कैश बुक, बट कैश बुक समझने से पहले कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं. देखो, एक बिजनेस में देर आर अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन, कई ट्रांजेक्शन होती हैं जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, जो कि आपने देख लिया. अब अगर एक छोटा बिजनेस होगा तो जर्नल में रिकॉर्ड करना आसान है क्योंकि उसकी लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होती है. लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता है उसमें सब कुछ एक जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, जर्नल को डिवाइड कर देते हैं सब जर्नल्स में, छोटी छोटी बुक्स में, अलग अलग बुक्स बना देते हैं हम अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए. ठीक है, वो अलग अलग बुक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक्स. अलग अलग बुक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सिडरी बुक्स. अब उन सब्सिडरी बुक्स के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं. उन बुक्स के क्या क्या फॉर्म्स हैं वो ध्यान से समझो. देखो, जो सब्सिडरी बुक्स हैं वो कई तरीके की हो सकती है, जिसमें सबसे ऊपर होता है कैश बुक. सबसे पहले क्या होता है हमारे पास, कैश बुक. इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद आता है हमारे पास परचेज बुक. इसके बाद हमारे पास आता है सेल्स बुक. उसके बाद परचेज रिटर्न बुक. पूरा लिख देता हूं फुल फॉर्म में, फिर तुम लोग कहोगे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया. परचेज रिटर्न बुक. उसके बाद हमारे पास आता है सेल्स रिटर्न बुक. और एट लास्ट आता है हमारे पास जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर. तो इन सभी बुक्स में अलग अलग नेचर की ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड होती हैं. अभी हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कैश बुक के बारे में, और इन सभी बुक्स को मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में, जो कि होगा सब्सिडरी बुक्स. बट मीनिंग मैं आपको आज ही बताऊंगा इसका. देखो, कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसके अंदर हम लोग सारी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स लिखने वाले हैं. कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स मतलब जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी, चाहे वो कैश का इनफ्लो हो चाहे कैश का आउटफ्लो हो, आपके पास कैश चाहे आ रहा है और आपके पास से कैश चाहे जा रहा है, वो आपको यहाँ कैश बुक में रिकॉर्ड करना है. अब वो कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये भी ध्यान से समझ लो. आपने गुड्स सेल करे, कैश आ गया, रिकॉर्ड होगा. गुड्स परचेज करे, कैश गया, यहाँ रिकॉर्ड होगा. सैलरी पे करी, यहाँ रिकॉर्ड होगा. कमीशन मिली आपको, रेंट मिला, मतलब किसी भी सोर्स से अगर आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश है तो यहीं रिकॉर्ड होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश है तो भी यहाँ रिकॉर्ड होगा. अब मुझे बताओ, अगर हम गुड्स परचेज करते हैं और वो परचेज करके मैंने इमिडिएटली पेमेंट कर दिया, वो तो आ गया कैश बुक में. बट कुछ गुड्स ऐसे भी तो होंगे जो मैंने पे नहीं करा, जिनका पैसा नहीं दिया, जो मैंने क्रेडिट पे परचेज करे होंगे, तो उसके लिए हम कोई बुक नहीं बनाएंगे. उसके लिए हम बुक बनाते हैं. उसके लिए कौन सा बुक होता है, परचेज बुक. ये होता है हमारा क्रेडिट परचेजेस के लिए, कि जो आपने उधार में आपके गुड्स खरीदे हैं उनके लिए जो स्पेसिफिक बुक बनेगा वो बनेगा परचेज बुक. क्यों? क्योंकि कैश बुक में तो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आएंगी ना, जो अदर ट्रांजेक्शन हैं वो इधर. अब सिमिलरली अगर आपने गुड सेल करे और कैश मिल गया, आपको पैसा आ गया, आ गया कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. लेकिन कुछ ऐसी भी तो सेल्स होंगी जो क्रेडिट पे होगी, जो लोग हमारे जानने वाले होंगे, हमारे वेल नोन कस्टमर्स होंगे, जो बोलेंगे कि अभी नहीं पैसा 10 दिन बाद देंगे, 15 डेज के बाद देंगे, वो क्रेडिट सेल है. क्रेडिट सेल के लिए क्या बनेगी, सेल्स बुक बनेगी. उसके बाद अगर गुड्स वापिस आए, अब देखो अगर गुड्स वापिस आए तो उनको भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करोगे. परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न. मैंने अगर सामान बेचा और वापस आया, सेल रिटर्न. मैंने सामान खरीदा और वो खराब निकला, वापस करा, परचेज रिटर्न. इसके बाद भी बहुत सारी एंट्रीज होती हैं जो रह जाती हैं, जैसे बैड डेट्स की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, डिस्काउंट्स की एंट्रीज, बहुत सारी एंट्रीज ऐसी होती हैं, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज.
वो सारी एंट्रीज आपको कहाँ करनी है, जर्नल प्रॉपर में, यानी जो एंट्रीज इनमें से किसी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगी, जर्नल में। लेकिन इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। आज का जो हमारा मेन फोकस है वो किस पे है, कैश बुक पे। बट एक बेस मुझे डेवलप करना था, मीनिंग डेवलप करना था, वो मैंने करा सबसे पहले। अब डिस्कस करते हैं कैश बुक को। कैश बुक क्या है, ध्यान से समझ के चलना सब लोग। हेडिंग डालेंगे कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, एक ऐसा बुक जो रिकॉर्ड करता है ऑल द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। ये हिंदी में ही अपनी कॉपीज में लिख लेना, अ बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। नंबर वन, विच रिकॉर्ड्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। नंबर टू, इट इज अ रियल अकाउंट। कैश बुक का नेचर क्या है, कैश बुक का नेचर है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब क्या, इसमें क्या रूल फॉलो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रियल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारे पास तीन तरीके के अकाउंट्स हो सकते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल, नॉमिनल, पर्सनल। कैश बुक एक रियल अकाउंट है, ठीक है। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल का रूल क्या होता है, तीसरा वाला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बट रूल्स की बात हम जर्नल में कर चुके हैं। यहां पे क्या समझना है कि ये कौन सा रूल चलने वाला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आया डेबिट करो, यानी कि अगर हुआ इनफ्लो यानी पॉजिटिव, पैसा आ रहा है तो कहां रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड में। और अगर हुआ आउटफ्लो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपने कोई पेमेंट करा माइनस हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे, ठीक हुआ। इसके बाद नंबर फोर पे हम लोग लिखेंगे द टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने तरीके का हो सकता है, तो इसमें आपको लिखना है कैश बुक हमारे पास हो सकता है एक तो सिंगल कॉलम, एक हो सकता है डबल कॉलम या टू कॉलम, एक हो सकता है ट्रिपल कॉलम, और एक होगा हमारे पास पेटी कैश बुक। ये चार तरीके की कैश बुक्स हैं जो नॉर्मली देखी जाती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, एक ही कॉलम होता है किसका, बस कैश कैश का, कि पैसा आया और पैसा गया, ये हम आज सीखने वाले हैं। डबल कॉलम क्या होता है, डबल कॉलम में हमारे पास तीन तरीके के डबल कॉलम कैश बुक हो सकते हैं। सबसे पहला कैश एंड डिस्काउंट, जिसमें कैश का और डिस्काउंट का कॉलम हो। दूसरा बैंक एंड डिस्काउंट, जिसमें बैंक का और डिस्काउंट का कॉलम हो। तीसरा कैश एंड बैंक कॉलम, कैश का कॉलम हो और बैंक का कॉलम हो। इसके बाद ट्रिपल कॉलम हो जाता है। ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, तीनों कॉलम्स एक साथ होते हैं, कैश भी, बैंक भी और डिस्काउंट भी। इट इंक्लूड्स ऑल द थ्री कॉलम्स, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। और लास्ट होता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक होता है छोटे छोटे खर्चों के लिए, स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए एक सेपरेट कैश बुक बनाना, जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं, ये हम अलग से पढ़ेंगे। बट ये तो एक नॉर्मल फॉर योर नॉलेज आपको मैंने बताया, बट इसके अंदर हमारे सिलेबस में ये सब नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, ओनली सिंगल कॉलम कैश बुक जो कि हम पढ़ने वाले हैं। डबल कॉलम में ओनली कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। ट्रिपल कॉलम इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, तो ना तो हमने ये पढ़ना, ना हमने ये पढ़ना, ना हमने ये पढ़ना। तो हमने पढ़ना क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ना है, डबल कॉलम में कैश एंड बैंक वाला पढ़ना है, ट्रिपल कॉलम नहीं पढ़ना और पेटी कैश बुक पढ़ना है। तो आपको ये तीन तरीके की कैश बुक्स पता होनी चाहिए, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम में कैश एंड बैंक, पेटी कैश बुक, ये हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास फोर पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। नंबर फाइव आता है मेरे पास, द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। कैश बुक में क्या फॉर्मेट फॉलो होगा, नेक्स्ट आएगा द फॉर्मेट। नंबर फाइव करके लिखेंगे द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक। एक मिनट का टाइम दो, मैं ये मार्कर चेंज करता हूं। द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक में, बहुत लाइट चल रहा है मार्कर, देखता हूं अगर ये
अच्छा चलेगा तो. तो फॉर्मेट ऑफ कैश बुक हमारे पास कैसा होता है, इस तरीके से. अभी मैं आपको आज सिंगल कॉलम सिखा रहा हूं. आज के लेक्चर में हम लोग सीख रहे हैं सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक. ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक बिल्कुल टी शेप होता है. ये बिल्कुल सबसे पहले टी शेप अकाउंट की तरह नॉर्मल. अब स्टार्ट होगा ये डेट के कॉलम के साथ. सबसे पहला कॉलम डेट, देन एक बड़ा कॉलम बनाएंगे. ये कॉलम होगा पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के बाद आप लोग बनाते हो इसके अंदर एक छोटा सा कॉलम, एक स्मॉल कॉलम. इसको यहां पे बोलना है वाउचर नंबर. वी नंबर मींस वाउचर नंबर. वाउचर नंबर के बाद आप एक और छोटा कॉलम बनाओगे एल एफ. एल एफ वही जो जर्नल एंट्रीज में बनाते थे, लेजर फोलियो. और यहां पे हमारा कैश का अमाउंट, कैश नहीं भी लिखोगे ओनली अमाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, कैश का अमाउंट. फिर सिमिलर कॉलम्स इधर, एक कॉलम डेट, डेट के बाद एक बड़ा कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के बाद हम लोग बनाएंगे एक वाउचर नंबर का कॉलम, वाउचर नंबर, देन एल एफ लेजर फोलियो, एंड देन कैश का अमाउंट. ये हमारा अमाउंट का कॉलम हो गया. लेफ्ट साइड इज आपको पता ही है, ये हमारा डेबिट साइड होता है, ये हमारा क्रेडिट साइड होता है. अब मैंने आपको क्या बोला, रूल्स क्या है, रियल अकाउंट के रूल्स फॉलो करने हैं. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यानी अगर कोई भी पैसा आएगा तो वो डेबिट साइड, कोई भी पैसा जाएगा तो वो क्रेडिट साइड. एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आप डेबिट कॉलम में जितनी भी चीजें लिखोगे वो सब टू के साथ लिखोगे. स्टार्टिंग में क्या लिखा जाएगा, टू. और क्रेडिट में जितनी भी चीजें लिखोगे उन सबके साथ बाय. ये बात ध्यान रखनी है, जितनी भी आइटम्स डेबिट में आएंगी वो टू के साथ आएंगी, जितनी भी आइटम्स क्रेडिट में आएंगी वो बाय के साथ आएंगी. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखो कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जनरली अगर सिंगल कॉलम कैश बुक आता है तो यही ट्रांजेक्शन्स पूछी जाती हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ. जैसे सबसे पहली ट्रांजेक्शन्स हैं, मैं यहाँ ट्रांजेक्शन भी लिखता हूँ साथ साथ, और आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ अच्छा सा. ये हटा रहा हूँ मैं, फॉर्मेट वगैरह आपने लिख लिया होगा या फॉर्मेट बना लिया होगा. अब मैं ट्रांजेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ इधर से, आई होप ये फ्रेम में आ रहा होगा. 2020 अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज. बिजनेस स्टार्ट करा कैश के साथ 1 लाख रुपीज. अब आप सोचो अगर बिजनेस शुरू करा है कैश के साथ तो आपके पास पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है. ये कैश बुक हम किसकी बनाते हैं, बिजनेस की बनाते हैं. आपके पास पैसा आ रहा है तो आने का तो कॉलम ये है डेबिट वाला, डेबिट में पैसा आएगा क्रेडिट में जाएगा, इधर आएगा. तो सबसे पहले ईयर लिखेंगे यहाँ पे 2020 अप्रैल 1. क्या लिखूंगा मैं, टू कैपिटल, कि मेरे पास पैसा आ गया कितना, 1 लाख रुपीज. 1 लाख रुपीज से मेरे पास पैसा आ गया, सबसे पहला काम. उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, उसके बाद अप्रैल 2 में हमारे पास आया परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 रुपीज. हमने गुड्स खरीदे 10,000 रुपीज के. अब अगर गुड्स खरीदे तो सोचो पैसा आएगा या जाएगा, गुड्स खरीदे तो पैसा जाएगा तो इधर लिखूंगा क्रेडिट साइड में. तो यहां लिखूंगा, यहां पे पहले ईयर लिखेंगे 2020 अप्रैल 2 बाय परचेजेस. सामान खरीदा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस. कितने का सामान खरीदा है, 10,000 रुपीज का. 10,000 रुपीज. वाउचर नंबर क्या होता है, वाउचर नंबर वो बिल नंबर होता है जिस बिल पे हमने ये सामान खरीदा होगा. जनरली खाली छोड़ना होता है, कुछ नहीं करना होता आपको. ठीक है, ये बिल नंबर होता है. और लेजर फोलियो होता है कि लेजर में, अभी हम लेजर बनाना सीखेंगे, लेजर में कौन से पेज पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जा रही है उसको हम लेजर फोलियो बोलते हैं. ये भी जनरली खाली रहता है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फॉर्मेट फॉर नाउ. अभी सिर्फ ये फॉर्मेट का पार्ट है. अब हमने गुड्स खरीदे कैश में, अच्छा इसके बाद हम लिखते हैं अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज. हमने कैश में गुड्स बेच दिए 5,000 रुपीज के. अब सोचो अगर मैंने गुड्स बेचे तो मेरे पास फिर पैसा आया, क्योंकि सामान बेचता हूं तो पैसा आता है, इनफ्लो आया. तो इस साइड लिखूंगा अप्रैल 4 टू सेल्स 5,000 रुपीज. 5,000 रुपीज की हमने
सेल्स दिखा दी। अच्छा, इसके बाद हम लोग एक ट्रांजेक्शन लिखते हैं, एक और ट्रांजेक्शन लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल अप्रैल 7 में परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट 10,000। हमने रोहित से सामान खरीदा ऑन क्रेडिट 10,000। भाई सामान खरीदा तो किधर, इधर लिख दूं बस सामान खरीदा? नहीं, देखो क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट ना भी लिखा होता तो भी नेम था, नेम था तो ये क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन है, यानी सामान तो आया लेकिन पैसा नहीं गया। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? पैसे का आना और जाना, सामान का नहीं, गुड्स का नहीं, कैश का। नेम क्या है इसका? कैश बुक। तो परचेजेस तो हैं लेकिन कैश का आउटफ्लो नहीं है, तो हम लोग इसको जस्ट इग्नोर कर देंगे, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखना, इसको नोट डाउन कर लो पॉइंट नंबर 6 करके फॉर्मेट के नीचे, ऑल द क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, यू जस्ट हैव टू इग्नोर इट। आप उसका जर्नल करके छोड़ सकते हो अगर करना चाहो, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने उधार में खरीदा था। अप्रैल 9 में आ जाता है पेड टू रोहित 10,000। आपने रोहित को अब पे कर दिया, ये सामान खरीदा था 7 में, 9 में मैं पे कर रहा हूं, तो अप्रैल 9 में यहां लिखूंगा बाय रोहित, जो मैंने पे करा, कितना पे करा? 10,000 रुपीज। देखो यहां सामान खरीदा था, यहां पे मैंने उसका पेमेंट कर दिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं अप्रैल 11 कैश सेल्स 5,000 या 50,000 रुपीज, 50 तो नहीं, 5,000 ले लो। कैश सेल्स कितना हो गया हमारे पास? 5,000 रुपीज। अब अगर मैंने सेल्स करी है कैश में तो पैसा आएगा, अगर सेल करा है तो पैसा आएगा, पैसा आया तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इधर ही, टू सेल्स, मेरे पास पैसा आया 5,000 रुपीज, ये हमने इधर रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे हमारे पास कैश सेल्स का मतलब है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स मैंने बेचे, पैसा आ गया, पैसा आ गया तो मैंने रिकॉर्ड करा टू सेल्स अकाउंट। डेट डाल देंगे हम लोग अप्रैल 11, टू सेल्स, इनफ्लो ऑफ कैश, इधर मैंने 5,000 रुपीज रिकॉर्ड कर दिया। कुछ ट्रांजेक्शन्स और ले लेते हैं, जैसे अप्रैल 15 में परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश, सपोज ऐसे आ गया, परचेज मशीनरी फॉर कैश 10,000 रुपीज, 10,000 की हमने मशीनरी खरीद ली, मशीनरी खरीद ली तो फिर पैसा जाएगा, कैश विल गो आउट, ठीक है ना, पैसा जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे अप्रैल 15 बाय मशीनरी, कितना पैसा गया? 10,000 रुपीज, ये हमारे पास से आउटफ्लो हो गया। बस सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है कि पैसा आ रहा है तो डेबिट में, जा रहा है तो क्रेडिट में, इस मेन रूल पे रहना है बस, बाकी बहुत सिंपल है। ये हो गया, इसके बाद कुछ और ट्रांजेक्शन लिखो, ये हो गई हमारे पास, इसके बाद हम लोग बस अब छोटी छोटी लिखते हैं, अप्रैल 16, अप्रैल 18, अप्रैल 20, क्या क्या ले लिया मैंने? लिखा पेड वेजेस, पेड रेंट, रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव्ड कर ली, कमीशन 10,000, 4,000 और ये 16,000। तो हमने ये वेजेस और रेंट पे करा है, पे करा है तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो इधर लिखूंगा अप्रैल 16, अप्रैल 18 बाय वेजेस, बाय रेंट, कितना कितना पैसा जा रहा है? 10,000 एंड 4,000 ये जा रहा है। कमीशन रिसीव होगा आपके पास अप्रैल 20 में, रिसीव का मीन्स पैसा आएगा, आएगा तो इधर लिखेंगे टू कमीशन अकाउंट, 16,000 रुपीज का कमीशन हमें रिसीव हो गया। ये हो गया हमारे पास, सिंपली बस आपको ये देखना है कि कितना पैसा जा रहा है या कितना पैसा आपके पास आ रहा है। अच्छा, एक ट्रांजेक्शन और इम्पॉर्टेंट होती है, अप्रैल 25 में लिख लो विड्रॉ विड्रू फॉर पर्सनल यूज, ये कितना ले लेता हूं मैं, सपोज 5,000 पर्सनल यूज के लिए मैंने विड्रॉ करे 5,000 रुपीज। अगर मैंने पर्सनल यूज के लिए 5,000 विड्रॉ करे तो ड्रॉइंग्स हैं, मैं निकाल के पैसा घर ले गया। देखो जब बिजनेस में पैसा लगाया था तो इधर लिखा था, पैसा आया ना बिजनेस में, निकाल के घर लेके जा रहा हूं तो विड्रॉ हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है तो वो किधर आ जाएगा हमारे पास? इधर।
ये क्या होगा अप्रैल 25 में हमारे पास बाय ड्रॉइंग्स, इसको क्या लिखेंगे हम बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, कितना ड्रॉइंग्स है हमारे पास 5000 रुपीज, ये पैसा विड्रॉ हो गया तो ये आ गया हमारे पास बाय ड्रॉइंग्स, सिंपल बस इतना ही करना होता है और कुछ नहीं है, यही ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब लास्ट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है, लास्ट में हम लोगों को करनी होती है बैलेंसिंग, जैसे टी शेप अकाउंट में बैलेंस निकालना सिखाया था ना, वैसे ही इसमें भी बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकलेगा, बैलेंस निकालने के लिए सीधा सा तरीका है, देखो मुझे एक बात बताओ, आपके पास ये सब पैसा आया है, ये सब पैसा आया है, इसमें से आपने ये खर्चे कर दिए, ये खर्च कर दिया तो लास्ट में कुछ बचा तो होगा, उसको बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे सपोज मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने 80 रुपीज स्पेंड कर दिए, 20 और बचे वो मेरा बैलेंस है। सिमिलरली ये मेरे को पैसा मिला, ये सब खर्च कर दिया तो कुछ पैसा बचेगा, वो बैलेंस होगा, तो उसको हम हमेशा लास्ट डेट पे निकालेंगे, ऑलवेज ऑन द लास्ट डेट, ठीक है। अप्रैल 30 इज द लास्ट डेट, यहां लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसको यहां पे क्या लिखते हैं सीडी, सीडी का मतलब कैरिड डाउन, कि कितना बैलेंस आया है। तो बैलेंस निकालेगा कैसे, अब यहां पे आपको एक टोटलिंग की लाइन खींचनी है, नीचे डबल लाइंस, और ये आमने सामने होना चाहिए टोटल, ऐसा नहीं है कि एक तरफ टोटल कर रहे हो यहां एक तरफ टोटल कर रहे हो यहां, नहीं, अगर ये इतनी ही है ये नीचे है तो देखो मैं यहां जगह छोड़ के यहां टोटल करूंगा आमने सामने, ठीक है। टोटल करता हूं तो 1,10,000 और 16, 1,26,000 मेरे पास टोटल इनफ्लो है, इसमें से ये खर्चे माइनस करने हैं, तो 1,26,000 में से हम लोग माइनस करके चलेंगे, 1,26,000 माइनस 49,000 रुपीज़ हम माइनस कर देंगे, 49 हमने माइनस करा तो बैलेंस आ रहा है 77,000, इसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस, ये हमने बैलेंस निकाला, ये टोटल करके ये सब माइनस कर दो ये बैलेंस आ गया, इधर का टोटल भी कितना आ जाएगा 1,26,000। अब देखो एक बात और समझो, जो आपके पास बैलेंस आता है उसको आप नेक्स्ट मंथ में लेके जाते हो, उस बैलेंस को कहाँ लेके जाते हो नेक्स्ट मंथ में, जैसे मेरे पास 20 रुपीज़ बचे तो अगले दिन सुबह भी तो वो 20 बचेंगे ना मेरे पास, आज मेरे पास 100 थे, 80 मैंने खर्च कर लिए, 20 बच गए, तो कल मेरे पास 20 सुबह से हैं और मैं जो कमाऊंगा वो उसमें ऐड होता रहेगा, तो यहाँ पे भी 77 आपके पास जो बच रहा है, अगर ये कैरिड डाउन इधर हुआ है तो ब्रॉड डाउन इधर होगा, अप्रैल के बाद नेक्स्ट मंथ क्या आएगा मई फर्स्ट में लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इसको ऐसे ब्रॉड डाउन करा है, ब्रॉड डाउन का मीन्स हम आगे लेके आए हैं, कितना बैलेंस था 77,000, ये इधर आ गया और आपका कैशबुक हो जाता है प्रिपेयर। ऐसे ही कैशबुक बनता है, कैशबुक में हेडिंग क्या डलता है, कैशबुक फॉर द पीरियड, जो भी आपको पीरियड लिखना हो, ठीक है, जैसे ये फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल है तो यहां लिख देना फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। तो ये हमारे पास कैशबुक हमारा प्रिपेयर होता है, एंड दिस इज अ सिंगल कॉलम कैशबुक। इसी तरीके के छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस हैं जो आपके पास आते हैं। अभी कैशबुक में आपके पास आएगा द ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी वाली ट्रांजेक्शन आएंगी, लेकिन वो अभी आगे कराऊंगा, अभी पहले आज सिंपली बेसिक्स बनाओ। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि चीजें समझ में आई या नहीं आई, और अगर कोई डाउट आ रहा है तो लेट मी नो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर अप कर दूंगा। ये होता है कैशबुक, नेक्स्ट क्लास में इसका कोई एक एडवांस क्वेश्चन देखेंगे और डबल कॉलम शुरू करेंगे। ऑलराइट, दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।